स्टूडेंट्स, आज दा अपना टॉपिक शुरू करने तो पहला ना कि बेसिक जी नोटेशन देखो जरा। पाई दा मतलब होंदा 180, पाई दा मतलब होंदा 180। ये ट्रिग्नोमेट्री च ज्यादा एक्सप्लेन करांगे कि क्यों होंदा 180। इन्हू 22/7 ना मनियो, पाई बाय टू। जो दोवां पासे टू ना डिवाइड कर देंगे, दोवां पासे टू ना डिवाइड कर देंगे, इधर पाई बाय टू हो जाएगा। 180 नू टू ना डिवाइड करांगे 90 हो जाएगा, 180 नू टू ना डिवाइड करांगे 90 हो जाएगा। जे पाई नू थ्री ना डिवाइड कर देंगे, दोवां पासे थ्री ना डिवाइड कर दो, इधर आ जाएगा पाई बाय थ्री, इधर आ जाएगा 60। जे इधर फोर ना डिवाइड कर देंगे, इधर आ जाएगा पाई बाय फोर, इधर आ जाएगा 45। जे इधर सिक्स ना डिवाइड कर देंगे, पाई बाय सिक्स का मतलब हो जाएगा 30। हुण इहदा मतलब जे कितने 90 हैगा ना, मैं 90 नहीं लिखना, मैं पाई बाय टू लिखना। जे कि 60 डिग्री है एंगल, मैं 60 डिग्री नहीं लिखना, पाई बाय थ्री लिखना। जे कि 45 डिग्री है, मैं 45 डिग्री नहीं लिखना, पाई बाय फोर लिखना। जे कि 30 डिग्री है, मैं 30 डिग्री नहीं लिखना, पाई बाय सिक्स लिखना। नोटेशन ध्यान ना वेखो जरा। हूँ अगे अज का जो मेन टॉपिक है अपना, वह है आर्गूमेंट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर। वह है अपने को आर्गूमेंट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर की डेफिनेशन होंगी है आर्गूमेंट की। दी एंगल थीटा विच दी लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन दी एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज कॉल्ड आर्गूमेंट। थोड़ी जी डेफिनेशन बोरिंग जी की है, पर क्वेश्चन करो करोगे बड़े इंटरेस्टिंग है, समझ लग जाएंगे। कहिंदा है आर्गूमेंट एक एंगल हुंदा थीटा, आप थीटा दे नाल डिनोट करते आर्गूमेंट नूं, उन्हूं आप एम्पलीट्यूड भी कह दें आर्गूमेंट नूं। कहिंदा एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन दे नाल एंगल बनांदी होए, एक लाइन जिहड़ी एंगल बनांदी होए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दे नाल इन दी एंटी क्लॉकवाइज सेंस, उन्हूं आपां कहांगे आर्गूमेंट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर। तो आर्गूमेंट की वैल्यू लाई करेगी, आर्गूमेंट की वैल्यू लाई करेगी माइनस पाई तो लैके, माइनस पाई इत्थे इक्वल टू नहीं है, लैस दैन है, माइनस पाई लैस दैन थीटा लैस दैन इक्वल टू पाई, माइनस पाई लैस दैन थीटा लैस दैन इक्वल टू पाई। ये अपना आर्गूमेंट की डेफिनेशन है। थोड़े जे ना ये केस थोड़े जे समझने वाले, ध्यान ना समझना। हूँ केस फस्ट, पहले क्वाड्रेंट च आर्गूमेंट की वैल्यू अलग होएगी, सैकेंड क्वाड्रेंट च अलग होएगी, थर्ड क्वाड्रेंट च अलग होएगी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट च अलग होएगी। मैं केस समझाना तुहानूं, वैसे ये डायरैक्ट तो पेपर च नहीं आते, पर जे केस नहीं समझांगे सानूं पता नहीं लगेगा फार्मूले कित्थों आए आ। एक्स ग्रेटर दैन जीरो, वाई ग्रेटर दैन जीरो, यानी कि आ दोवें मैच करके ये हुंदा फस्ट क्वाड्रेंट, इधर हुंदा सैकेंड, इधर हुंदा थर्ड क्वाड्रेंट, इत्थे हुंदा फोर्थ क्वाड्रेंट। फस्ट क्वाड्रेंट दे विच एक लाइन हैगी है, इहनू ओरिजन पॉइंट मान लो, इहनू पी पॉइंट मान लो, एक लाइन है, इह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दे नाल एंगल बनांदी वी थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नाल एंगल बनांदी वी अल्फा, अल्फा मान लो इहनू। हुण देखो जरा, हुण पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दे नाल ते एंगल अल्फा ही बनता पिया है, इहदा मतलब फस्ट केस च जिहड़ा साडा थीटा होएगा ना अल्फा दे बराबर ही होएगा। लाइन ने एंगल बनाउणा अल्फा, ते आपां थीटा कैलकुलेट कढ़ना डेफिनेशन दे नाल। डेफिनेशन कहिंदी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे नाल जिहड़ा एंगल बनेगा उही आर्गूमेंट होएगा। फस्ट क्वाड्रेंट दे विच जो अल्फा हैगा उही थीटा होएगा, फस्ट क्वाड्रेंट दे विच जो अल्फा हैगा उही थीटा होएगा। एक्स ग्रेटर दैन जीरो, वाई ग्रेटर दैन जीरो, मतलब एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, दोवें मैच करके ना पॉजिटिव है। सैकेंड केस देखो जरा, मैं बार बार कहना मैं थोड़ा जिहा केस बोरिंग वगैरह लगनगे, पर जे नहीं समझांगे फिर सानू फार्मूले नहीं पता लगने, पेपर च डायरैक्ट सम ही आउणगे, फार्मूले याद कर लिओ सम आराम नाल सोल्व हो जाणगे। केस सैकेंड, केस सैकेंड दा मतलब वैन एक्स लैस दैन जीरो वाई ग्रेटर दैन जीरो, यह किदा हुंदा है? केस सैकेंड मतलब सैकेंड क्वाड्रेंट, यह हुंदा एक्स एक्सिस, यह हुंदा वाई एक्सिस, यह हुंदा एक्स डैश, यह हुंदा वाई डैश। इन्हां दोवां नूं मैच करांगे सैकेंड क्वाड्रेंट च, इधर एक्स डैश आएगा इधर वाई आएगा, यानी कि एक्स डैश मतलब एक्स नैगेटिव है, एक्स लैस दैन जीरो हो गया, जो वाई मैच करेगा वाई ग्रेटर दैन जीरो हो गया, मतलब वाई पॉजिटिव है। लाइन इदा की है, लाइन इदा की है।
हूँ इतने एंगल मान लो कि इतने एंगल अल्फा बनता पे जेडे क्वाड्रेंट है वो एंगल बनेगा इतने एंगल बनता पे अल्फा पर आर्गूमेंट की डेफिनेशन कहती है एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे नाल बनना चाहिए आर्गूमेंट की डेफिनेशन कहती है एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे नाल बनना चाहिए जेधर अल्फा है आ एंगल बनेगा 180 माइनस अल्फा ए एंगल बनेगा 180 माइनस अल्फा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के दो एंगल का सम 180 होंगे इन्हू लिख लो पाई माइनस अल्फा 180 लिखा पाई मैं दस्या पिछे यानी कि सैकेंड क्वाड्रेंट च ए एंगल अल्फा सी पर जिहड़ा आर्गूमेंट सी जिहड़ा आर्गूमेंट सी वह बनेगा पाई माइनस अल्फा जिहड़ा आर्गूमेंट सी वह बनेगा पाई माइनस अल्फा हुण केस थर्ड केस थर्ड का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट दे विच पिया पई है लाइन पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट च पी पॉइंट जिहड़ा हैगा थर्ड क्वाड्रेंट च एदां ए एक्स डैश हों वाई डैश हों क्योंकि ए एक्स एक्सिस हों वाई एक्सिस हों थर्ड क्वाड्रेंट च आदों मैच करते पे हैं थर्ड क्वाड्रेंट च आदों मैच करते पे हैं मान लो इधर एंगल बना दिया अल्फा एंगल बना दिया अल्फा तो ए बनेगा 180 माइनस अल्फा ही बनेगा ए 180 माइनस अल्फा ही बनेगा हुण आर्गूमेंट की जी मैक्सीम वैल्यू ना 180 तक होंगी है ते मिनिमम माइनस 180 तक हुण उपर आले पासे एंगल होंदे पॉजिटिव उपर आले पासे एंगल होंदे पॉजिटिव थल्ले आले पासे होंदे नैगेटिव इहदे नाल ब्रैकेट च साइन बाहर लैना पैना माइनस इहदे नाल ब्रैकेट दे बाहर साइन लैना पैना माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट दे विच जिहड़ा आर्गूमेंट बनेगा वह इदां बनेगा माइनस ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा जदों ब्रैकेट खोलांगे वह बन जाएगा अल्फा माइनस पाई जो ब्रैकेट खोलांगे ना वह बन जाएगा अल्फा माइनस पाई हूँ जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला केस वेखांगे चार केस है पी पॉइंट इत्थे पे आएगा ए एक्स एक्सिस है वाई डैश यानी कि इधर एक्स मैच कर रहा है वाई डैश मैच कर रहा है इस एक्स मैच कर रहा है वाई डैश मैच कर रहा है हुण देखो जरा इत्थे लिखना है एक्स थर्ड क्वाड्रेंट च एक्स डैश ते वाई डैश मैच कर रहे हैं यानी कि एक्स डैश का मतलब होंदा एक्स लैस दैन जीरो नैगेटिव वाई डैश का मतलब भी वाई लैस दैन जीरो हुण इस एक्स मैच कर रहा है वाई डैश यानी कि एक्स ग्रेटर दैन जीरो वाई लैस दैन जीरो एक्स ग्रेटर दैन जीरो वाई लैस दैन जीरो हुण इधर तो एंगल अल्फा ही बनेगा इधर तो एंगल अल्फा ही बनेगा पर उही गल उपर वाले पासे एंगल पॉजिटिव हुंदा है थल्ले वाले पासे हुंदा है नैगेटिव थल्ले वाले पासे हुंदा नैगेटिव यानी कि इस केस जिहड़ा थीटा आएगा इस केस थीटा आएगा माइनस अल्फा इस केस जिहड़ा थीटा आएगा वह आएगा माइनस अल्फा थोड़े ध्यान ना वीडियो दोबारा देखना थोड़े ध्यान ना समझना मैं एक टेबल बना लगा छोटा जिहा देखो जरा आ चार क्वाड्रेंट है पहले क्वाड्रेंट दे विच थीटा हुंदा अल्फा ते दूजे च हुंदा पाई माइनस अल्फा सैकेंड क्वाड्रेंट च हुंदा पाई माइनस अल्फा यह हुंदा थर्ड क्वाड्रेंट यह हुंदा फोर्थ क्वाड्रेंट उपर वाले पासे एंगल पॉजिटिव हुंदे ते थले वाले पासे नैगेटिव फर्स्ट ते थले फोर्थ क्वाड्रेंट है इस च थीटा आ जाएगा माइनस अल्फा थीटा आ जाएगा माइनस अल्फा ए पाई माइनस अल्फा है ये थले नैगेटिव हो जाएगा जो नैगेटिव करांगे साइन चेंज हो जाएंगे अल्फा दे नाल पॉजिटिव आ जाएगा तो पाई दे नाल नैगेटिव आ जाएगा अल्फा दे नाल पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो पाई दे नाल नैगेटिव साइन आ जाएगा हुण फस्ट क्वाड्रेंट दे विच एक्स पॉजिटिव हुंदा है पहली वैल्यू की एक्स की दूजी की वाई की वाई भी पॉजिटिव हुंदा है सैकेंड क्वाड्रेंट च एक्स नैगेटिव हुंदा है तो वाई पॉजिटिव पहला साइन एक्स का दूजा वाई का थर्ड क्वाड्रेंट च दोवें नैगेटिव हुंदे आ फोर्थ क्वाड्रेंट च एक्स पॉजिटिव हुंदा है तो वाई नैगेटिव हुंदा वाई नैगेटिव हुंदा रूल देखो रूल टू फाइंड कॉम्पलैक्स नंबर सॉरी रूल टू फाइंड आर्गूमेंट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर रू आर्गूमेंट किदा लभना कॉम्पलैक्स नंबर का सब तो पहला जिहड़ा कॉम्पलैक्स नंबर दिता होगा उन्हूं कंपेयर कर लेना जैड इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई ना आपां सम करांगे सम च क्लीयर हो जाएगा थोड़ा जिहा 10 मिनट मैनूं लग गए एक्सप्लेन करते करते यह तुसीं आ फार्मूले लिखने अपनी कापी दे
कॉम्पलैक्स नंबर नूं कंपेयर करांगे जैड इज इक्वल टू एक्स प्लस ए ओटा वाई ना। बाद च टैन अल्फा फाइंड आउट करना है। टैन अल्फा का फार्मूला होंदा वाई बाय एक्स, इमेजनरी पार्ट नूं एक्स नाल डिवाइड करना। मोडुलस पा दिओ, मोडुलस पा दिओ, इहदा मतलब होंदा मैगनीट्यूड, मतलब जे नैगेटिव आंसर आंदा पिया है पॉजिटिव कर दिओ, जे नैगेटिव आंसर आंदा पिया पॉजिटिव कर दिओ। क्वाड्रेंट साइन ऑफ एक्स एंड वाई टेबल बनाया थीटा, थीटा किदा कटना है जिदा तुहानू एक्सप्लेन किया उदा ही है। जो फस्ट क्वाड्रेंट है मतलब एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, थीटा अल्फा के बराबर होएगा। जो सैकेंड क्वाड्रेंट है एक्स नैगेटिव है वाई पॉजिटिव है, थीटा बराबर होएगा पाई माइनस अल्फा दे, आपां एक्सप्लेन किया तुहानू इधर। जो थर्ड क्वाड्रेंट है एक्स नैगेटिव है वाई भी नैगेटिव है, मतलब अल्फा माइनस पाई बन जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव हुंदा है वाई नैगेटिव हुंदा है, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा बन जाएगा। आपां सम करदे सम च थोड़ा क्लीयर हो जाएगा, आपां सम करदे सम च थोड़ा क्लीयर हो जाएगा। एक ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल की ना टैन वाली लाइन याद करनी है, टैंथ क्लास से ना ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल किया तुसीं, इत्थे हुंदा सी जीरो, अगे हुंदा सी थर्टी, फिर हुंदा सी फोर्टी फाइव, टैन वाली बस होर कोई नहीं, सिक्सटी ते नाइनटी, सिक्सटी ते नाइनटी। मैं तुहानू कहा हूँ थर्टी आप लिखना पाई बाय सिक्स, स्टार्टिंग तो एक्सप्लेन किया। फोर्टी फाइव नू लिखना पाई बाय फोर, सिक्सटीन लिखना पाई बाय थ्री, सिक्सटीन लिखना पाई बाय थ्री, तो नाइनटीन लिखना पाई बाय टू, नाइनटीन लिखना पाई बाय टू। टैन जीरो दे वैल्यू होंगी जीरो, टैन जीरो दे वैल्यू होंगी जीरो, टैन थर्टी, थर्टी का मतलब पाई बाय सिक्स ही होंदा है, वन बाय रूट थ्री, टैन थर्टी की वैल्यू होंगी वन बाय रूट थ्री। टैन फोर्टी फाइव तो वैल्यू होंगी वन, टैन सिक्सटी की होंगी अंडर रूट थ्री, टैन सिक्सटी की होंगी अंडर रूट थ्री, टैन नाइनटी तो इनफिनिटी, टैन नाइनटी की वैल्यू होंगी इनफिनिटी, नो डिफाइंड जिन्हों कह देंगे टैंथ क्लास बुक च ना। साइन सीटा कोस सीटा के नाल सम सोल्व किए टफ तरीके, मैं बड़े ईजी मैथड के नाल सोल्व करांगा। एक्सरसाइज 5.2 रही सी अपनी, एक्सरसाइज 5.2 का फस्ट क्वेश्चन सोल्व कर लगे आप। एक्सरसाइज 5.2 का फस्ट क्वेश्चन हैगा है फाइंड मोडुलस, फाइंड मोडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर, फाइंड मोडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर। पहला कॉम्पलैक्स नंबर हैगा है माइनस वन माइनस एटा रूट थ्री। मोडुलस कटना सिखाया है तुहानू मैं, मोडुलस कटना सिखाया। सब तो पहले इनू कंपेयर करना, कंपेयर विद जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, कंपेयर विद जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। मोडुलस जेड का, मोडुलस जेड ऐदा कटीदा, मोडुलस जेड रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। मोडुलस वाला लैक्चर च, पिछले लैक्चर च दस्या होया मैं मोडुलस किदा कैलकुलेट करना। जो कंपेयर करांगे रियल पार्ट का एक्स, एक्स की वैल्यू होनी है अपने कोल, मैं लिखनी भुल गया, एक्स की वैल्यू होनी है अपने कोल माइनस वन, तो वाई की वैल्यू किनी आनी है अपने कोल माइनस रूट थ्री। एक्स की वैल्यू होनी माइनस वन, वाई की वैल्यू होनी माइनस रूट थ्री, दोवें नैगेटिव ही है, दोवें नैगेटिव ही है। पहला मोडुलस कट देने हैं रूट एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, वाई होंगे इमेजनरी पार्ट जो एटे के नाल लगा, जो एटे के नाल लगा माइनस रूट थ्री लगा। इधर आ जाएगा वन प्लस थ्री फोर आ जाएगा, रूट फोर की वैल्यू आ जाएगी टू। आपां मोडुलस कट लिया, मोडुलस का आंसर आया टू। हुण अगे देखो जरा, एक्स की वैल्यू होगी माइनस वन, वाई की वैल्यू होनी माइनस रूट थ्री, वाई की वैल्यू होनी माइनस रूट थ्री, दोवें नैगेटिव है। यहाँ मतलब थीटा जोड़ा होना है वह अपना थर्ड क्वाड्रेंट च बनना है, जोड़ा पॉइंट होना एक शब्द अपना होना थर्ड क्वाड्रेंट च, क्योंकि दोवें नैगेटिव है, यह लिखना नहीं भूलना है अपना। थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट वाला रिजल्ट ला के लगेगी, क्योंकि एक्स भी नैगेटिव है वाई भी नैगेटिव है।
बाद च ए वाला फार्मूला लगाना, हर सम च कोई फार्मूला लगाना तुम, टैन अल्फा इज इक्वल टू मैगनीट्यूड वाई बाय एक्स, टैन अल्फा इज इक्वल टू मैगनीट्यूड वाई बाय एक्स, वाई की वैल्यू होगी माइनस रूट थ्री, एक्स हैगी माइनस वन। वैसे तो माइनस ना माइनस कटिया जाना है, माइनस ना माइनस कटिया जाना, जो एक अद्धा माइनस रह भी गया तो मैगनीट्यूड ने पॉजिटिव कर देना, मैगनीट्यूड ने पॉजिटिव कर देना। टैन अल्फा की वैल्यू आएगी रूट थ्री, टैन अल्फा की वैल्यू आएगी रूट थ्री। ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल वेखोगे, जो ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल वेखोगे रूट थ्री लिख सकते हैं टैन पाई बाय थ्री, टैन सिक्सटी, मैं उन्हें पिछले एक्सप्लेन किया, रूट थ्री लिख सकते हैं टैन पाई बाय थ्री, टैन सिक्सटी, सिक्सटी नहीं पौना पाई बाय थ्री पौना। एक हिसाब का टैन ना टैन कटा गया तो अल्फा की वैल्यू कि आ गई पाई बाय थ्री, कटिंग शो नहीं करी दी, मतलब एंगल कंपेयर करी दी है, अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाय थ्री। आपा की क्या थीटा कड़े क्वाड्रेंट लाई करता वा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट का रिजल्ट वेखो, थीटा होंगे अल्फा माइनस पाई, आर्गूमेंट है थीटा, अल्फा एक वैसे जनरल एंगल है, आर्गूमेंट होंगे थीटा, मतलब आप आर्गूमेंट कढ़न लगे हैं, आर्गूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट का रिजल्ट लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का रिजल्ट है अल्फा माइनस पाई, यानी कि पाई बाय थ्री माइनस पाई, एलसीएम लवेंगे माइनस टू पाई बाय थ्री, एलसीएम लवेंगे माइनस टू पाई बाय थ्री आ जाएगा। एक उन्होंने मोडुलस कढ़न नूं कहा सी, एक उन्होंने आर्गूमेंट कढ़न नूं कहा सी, एदा आप कढ़ने हैं मोडुलस ते आर्गूमेंट। बड़ा ईजी क्वेश्चन है, सैकेंड क्वेश्चन करते हैं, सैकेंड क्वेश्चन च की है, देखो जरा, जैड इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस योटा, जो इन कंपेयर करांगे जैड इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, ना रियल पार्ट एक्स की वैल्यू की माइनस रूट थ्री, रियल पार्ट का एक्स की वैल्यू की माइनस रूट थ्री, योटा वाई, वाई की वैल्यू की वन, क्योंकि योटा के नाल कुछ नहीं लगा, वाई की वैल्यू की वन, एक्स नैगेटिव वाई पॉजिटिव, एक हिसाब का थीटा बनेगा सैकेंड क्वाड्रेंट च, मतलब एंड ते जो आर्गूमेंट कटना है आप सैकेंड क्वाड्रेंट का रिजल्ट लगाना, जो आप आर्गूमेंट कटना है आप सैकेंड क्वाड्रेंट का रिजल्ट लगाना, क्योंकि एक्स नैगेटिव है वाई पॉजिटिव है। पहला मोडुलस जैड कट लेने, मोडुलस जैड का फार्मूला है रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, मोडुलस जैड का फार्मूला है रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। हूँ देखो जरा, रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स की वैल्यू की है माइनस रूट थ्री का स्केयर प्लस वाई का स्केयर वन का स्केयर, इतने थ्री आ जाएगा रूट का स्केयर, थ्री का स्केयर थ्री प्लस वन फोर, फोर का अंडर रूट आ जाएगा टू, फोर का अंडर रूट आ जाएगा टू। ये अपने को आ गया मैगनीट्यूड ऑफ जैड। टैन अल्फा का फार्मूला लगाओ वाई बाय एक्स, टैन अल्फा का फार्मूला लगाओ वाई बाय एक्स, वाई की वैल्यू की अपने को वन, एक्स की हैगी माइनस रूट थ्री, एक्स की वैल्यू की माइनस रूट थ्री। देखो यार अगे हूँ मोडुलस का काम है नैगेटिव नू पॉजिटिव कर देना, टैन अल्फा आ जाएगा वन बाय रूट थ्री, आपां मोडुलस हटा देना नैगेटिव नू पॉजिटिव कर देना, वन बाय रूट थ्री लिख सकते हैं टैन पाई बाय सिक्स, वन बाय रूट थ्री लिख सकते हैं टैन पाई बाय सिक्स, वन बाय रूट थ्री लिख सकते हैं टैन पाई बाय सिक्स। एक हिसाब का टैन ना टैन कटा गया, अल्फा की वैल्यू होगी पाई बाय सिक्स, अल्फा की वैल्यू होगी पाई बाय सिक्स। पर आप आर्गूमेंट कटना होंगे थीटा, आप आर्गूमेंट कटना होंगे थीटा, थीटा कड़े क्वाड्रेंट लाई करता पाया सैकेंड, तो सैकेंड क्वाड्रेंट का रिजल्ट वेखो, सैकेंड क्वाड्रेंट का रिजल्ट की है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, सैकेंड क्वाड्रेंट का रिजल्ट है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू होगी पाई बाय सिक्स, अल्फा की वैल्यू होगी पाई बाय सिक्स, एलसीएम लवेंगे सिक्स पाई माइनस पाई कि आ जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स, फाइव पाई बाय सिक्स आ जाएगा। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, बड़े आराम के नाल सोल्व हो जाना है, ध्यान ना कर करोगे तो पता लग जाएगा। अगे थ्री तो लैके एट तक सम वो है बुक च, उन्होंने कहा कन्वर्ट द कंपलैक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म,
थ्री तो लैके एट तक सम उदा ही है। उन्होंने कहा कन्वर्ट द कंपलैक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का फार्मूला की होंगे, उस पोलर कोऑर्डिनेट लगते आर लगता है तो थीटा लगता है। आर का मतलब मोडुलस जेड ही होंगे, आर का मतलब मोडुलस जेड ही होंगे। पोलर फॉर्म का रिजल्ट होंगे आर, आर का मतलब मोडुलस जेड ही है। कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, यह पोलर फॉर्म का रिजल्ट है। हुण पोलर फॉर्म कोई अलग चीज नहीं हैगी, जिदा थ्री तो लैके एट तक सम किया ना उन्होंने, सम नंबर क्वेश्चन थ्री तो लैके एट तक उन्होंने कहा कि पोलर फॉर्म फाइंड आउट करो। उन्होंने कहा पोलर फॉर्म फाइंड आउट करो। आप क्वेश्चन नंबर थ्री का दसते हैं कि पोलर फॉर्म किदा फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर थ्री च दसते पोलर फॉर्म किदा फाइंड आउट करना। थर्ड सम च क्या फाइंड कन्वर्ट द कंपलैक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, यह स्टेटमेंट दी आपू वन माइनस एटा, यह स्टेटमेंट दी वन माइनस एटा। पहला यदा मोडुलस कटना है, फिर यदा आर्गूमेंट कटना है। पहला यदा मोडुलस कटना है, फिर यदा आर्गूमेंट कटना है, फिर मैं दसदा कि पोलर फॉर्म किदा लगनी है। बड़े ध्यान नाल वेखो, सब तो पहला इनू कंपेयर विद, कंपेयर विद जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, कंपेयर विद जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। रियल पार्ट एक्स है, एक्स की वैल्यू होनी वन, रियल पार्ट एक्स है, एक्स की वैल्यू होनी वन। एटा दे नाल जो लगा होंदा वाई होंदा, एटा दे नाल कुछ नहीं लगा, एक्स आपका वन लगा है, यानी कि अगर माइनस साइन भी है, वाई की वैल्यू होनी माइनस वन, वाई की वैल्यू होनी माइनस। एक्स पॉजिटिव है, वाई नैगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नैगेटिव है। थीटा लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट च, फोर्थ क्वाड्रेंट च वेखोगे ना एक्स पॉजिटिव होंगे तो वाई नैगेटिव होंगे। यह पता होना चाहिए किहड़े क्वाड्रेंट च किहड़ा पॉजिटिव है, किहड़े क्वाड्रेंट च किहड़ा नैगेटिव है, वह मैं समझाया उन्हें पिछे, पूरी वीडियो देखोगे पता लगेगा। थीटा लाई सी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मोडुलस जेड कढ़ो, जे पोलर फॉर्म च कन्वर्ट करन नूं कहा ना, थर्ड तो एट तक उन्होंने कहा पोलर फॉर्म च कन्वर्ट करन नूं, पहला मोडुलस जेड कटना ही कटना है, थीटा कटना ही कटना। अगे एको लाइन का ही सवाल है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होंदा ना फार्मूला, यानी कि मोडुलस जेड रूट आ जाएगा वन का स्केयर प्लस माइनस वन का स्केयर, रूट टू, रूट टू आ जाएगा। अगे टैन अल्फा का फार्मूला लगाना वाई बाय एक्स, टैन अल्फा का फार्मूला लगाना वाई बाय एक्स, वाई की वैल्यू की माइनस वन, एक्स की वन। जो मैगनीट्यूड करांगे वन आ जाएगा, माइनस वन वन ना डिवाइड करांगे वन ही आना। टैन की 45 दे वैल्यू होंगी वन, पर वन नूं आपां लिखांगे टैन पाई बाय फोर, 45 दा मतलब पाई बाय फोर ही होंदा। जो एंगल कंपेयर करांगे अल्फा आएगा पाई बाय फोर, एंगल कंपेयर करांगे अल्फा आएगा पाई बाय फोर। आर्गूमेंट कटना आपां, आर्गूमेंट थीटा आपां कहा फोर्थ क्वाड्रेंट च है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव ही वाई नैगेटिव ही, थीटा आपां कहा फोर्थ क्वाड्रेंट च, यानी कि थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा बन जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का रिजल्ट देखो मैं पिछले कराया तुहानू, फोर्थ क्वाड्रेंट के रिजल्ट से थीटा है माइनस अल्फा, थीटा की वैल्यू आएगी माइनस अल्फा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू बनेगा माइनस पाई बाय फोर, थीटा इज इक्वल टू बनेगा माइनस पाई बाय फोर। आप पोलर फॉर्म लिखनी है, पोलर फॉर्म का फार्मूला होंगे, ये फार्मूला है आर कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, आर कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। मोडुलस जेड का मतलब आर ही होंगे, मोडुलस जेड का मतलब आर ही होंगे, सिर्फ इको लाइन एक्सट्रा ऐड होनी है। आर की वैल्यू की रूट टू कोस थीटा, थीटा है माइनस पाई बाय फोर, कोस माइनस पाई बाय फोर, इतने स्केयर ब्रैकेट पा लियो, प्लस एटा साइन माइनस पाई बाय फोर, प्लस एटा साइन माइनस पाई बाय फोर। बड़े सौखे क्वेश्चन है, बड़े आराम ना सोल्व हो जाने हैं। अज भी साढ़ा इन्ना ही है होमवर्क, देखो जरा ताड़ा होमवर्क है
ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਖੋਲਿਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਖੋਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਮ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਮ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਫਾਈਵ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਸੈਵਨਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਸੈਵਨਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ 7 ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ 7 ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।